अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं मुगलाई चिकन दम बिरयानी। हम कच्चे चिकन की बिरयानी बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम मैरिनेट कर लेते हैं चिकन को, जिसके लिए मैंने एक बोल ले लिया है। तो सबसे पहले हम बोल में दही को ऐड कर देंगे। ये दही लिया है मैंने 1 कप, इसको फैट लिया है अच्छी तरह से। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, और एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 2 स्टार फूल, 4 लौंग और थोड़ी सी जावित्री ली है। ये काजू लिए हैं मैंने, 1 में से 2 कर लिए हैं काजुओं को मैंने। मुगलाई चिकन की ख़ास बात यही है कि उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए जाते हैं। आप चाहे तो पिस्ते और किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। काजुओं को मैंने 2 कर लिया था 1 में से, और बादाम को मैंने थोड़ा सा चॉपर में चॉप करके ऐड किया है। लेमन जूस ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। मसालों में 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून तेज़ वाली लाल मिर्ची, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। अब इसमें हम तेल ऐड कर देंगे। ये वही तेल है जिसमें मैंने बिरिस्ते को फ्राई किया था, जिसमें मैंने अनियन को फ्राई कर लिया था, ये वही तेल है। तो 1/2 कप इसमें तेल ऐड कर देंगे, और ये 2 बड़े प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, बिरिस्ता बना लिया है, तो तली हुई प्याज इसमें ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसालों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये 1/2 kg चिकन है जिसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आप चाहें तो बड़े बड़े पीसेस भी ले सकते हैं चिकन के। अब इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है साइड में। तो चिकन हमारा जब तक मैरिनेट हो रहा है, हम राइस को बॉईल कर लेते हैं। सिंपल तरीके से हम राइस को बॉईल करने वाले हैं। 4 ग्लास मैंने पानी ले लिया है, इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। जो हम दम बिरयानी बना रहे हैं, ये भटियारा स्टाइल बना रहे हैं, जो कच्चे चिकन की बनाई जाती है। इसके जो चावल बॉयल होते हैं, इसमें ज़ीरा या खड़े मसाले कुछ नहीं जाते, सिर्फ नमक और तेल में ही इसको उबाला जाता है पानी के साथ। तो इसमें और कोई खड़े मसाले ऐड नहीं होंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा तब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, और 1 कनी जब बाकी रहेगी तब हम चावलों को निथार लेंगे। तो ये मैंने 2 ग्लास चावल लिए हैं, बासमती चावल है 2 ग्लास। इनको 1/2 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो कर रखा था। भिगोने के बाद हम जब पानी में उबाल आ जाएगा तब चावलों को डाल देंगे, और 1 कनी जब हो जाएगी, चावल उबल जाएंगे, तो उनको हम छन्नी में छान लेंगे। तो ये मैंने बर्तन ले लिया है, ये वही बर्तन है जिसमें मैंने कांदे को फ्राई किया था। अभी गैस की फ्लेम बंद है, गैस चालू नहीं है, बंद है गैस। तो अब मैं चिकन डाल रही हूँ। जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था, इसको आप जितना मैरिनेट करेंगे उतनी आपकी बिरयानी लजीज बनेगी। तो चिकन को मैंने डाल दिया है। अब इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। कटे हुए आलू ऐड कर देंगे, और इनको थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि हरा धनिया, पुदीना और आलू अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, इनको फैला देंगे अच्छी तरह से। और ये देखिए, चावल हमारे 1 कनी बॉईल हो चुके हैं, बहुत ही खिले खिले और अच्छे से हैं। और इसमें गरम गरम ही चावल डालना है, हमें ठंडे चावलों का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि हमने चावलों को उबाल लिया, उसको निथार लिया, निथारने के बाद फ़ौरन हमें उसको तह लगा देनी है चावल की, उसको ठंडा होने का वेट नहीं करना है। तो ये देखिए, सारे चावलों को मैंने फैला दिया है। अब इस पर दूध डाल देंगे, 1 से 2 टेबल स्पून दूध डाल दें, केवड़ा वाटर डाल दें इसमें। और ये येलो फूड कलर है, आपको जो भी कलर पसंद है आप वो कलर इसमें ऐड कर सकते हैं।
अब इसको कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को मैंने अब ऑन किया है। तब से गैस की फ्लेम बंद थी, चालू नहीं थी। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, दम वाली फ्लेम पर इसको पकाना है और नीचे तवे को रख देना है और 40 मिनट के लिए पकाना है। तो ये देखिए 40 मिनट मैंने इसको दम दे दिया था, 40 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मुगलाई दम बिरयानी बनकर तैयार हुई है। चावल भी बिल्कुल खिले खिले और अलग अलग है। तो मैं आपको सर्व करके बताती हूँ कितना मज़ेदार सा इसका लुक आया है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी। तो ये देखिए चिकन आलू हमारे सब अच्छी तरह से गल चुके हैं और ये देखिए बिल्कुल नीचे बिरयानी लगी भी नहीं है, पतीले में जली भी नहीं है, बिल्कुल अलग है पतीले से बिरयानी। तो इसी तरीके की परफेक्ट आपकी भी बनेगी जब आप इसको बनाकर ट्राई करेंगे। तो हमारी मुगलाई दम चिकन बिरयानी बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी